मेरी बात सुन, तेरे नासर हुसैन ने बोला था ना, दूसरे टेस्ट मैच जब खत्म हुआ था तो नासर हुसैन ने क्या बोला था कि यार इंडिया की बैटिंग में कोई एक्साइटमेंट नहीं है, विराट कोहली के बगैर इंडिया की बैटिंग में कोई एक्साइटमेंट नहीं है। किधर गया मनो टंडो? एक्साइटमेंट नहीं तुझे दी उसने जयसवाल ने, तेरे अंदर उसने डंडा दिया है, डंडा दिया तेरे अंदर। यार वो दोहरा है कि जनाब ये इन्होंने जो है वो इंडिया ने दो नंबरी करनी शुरू कर दी, पाकिस्तान वाली रूह आ गई है। वैसे मैं समझ रहा हूँ, ये जो पाकिस्तान इंडिया का जब मैच हुआ था ना, तो हम उसमें भी बात कर रहे थे कि जनाब इन्होंने DRS में गड़बड़ कर दी, जब ये इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा था, इनके आउट ही नहीं होते दूसरों के आउट, DRS में गड़बड़, फलाना बॉल जो है वो नहीं दे दी है, वो उनको और बॉल मिली है, हमें और बॉल मिली, ये भी बड़ा ड्रामा चला था। लंबा टारगेट सेट करके वहां पे मैच रोक देना, सिर्फ हराया नहीं है, जलीलो ख्वार किया है, पूरी दुनिया के सामने उनको जलीलो ख्वार किया, जो दुनिया के नंबर वन टीम मानी जाती थी, जिन्होंने क्रिकेट को इजाद किया था, उनको जो है 434 रन से शिकस्त देकर दुनिया को बता दिया है कि इंडिया के सामने अगर खेलने आओ तो सोच समझ के आना, हमारे साथ कोई सीरीज रखना तो सोच समझ के रखना भाई, इसी तरह हम शिकस्त देंगे, बल्कि इससे भी बदतर हम शिकस्त देंगे। खान जो सवाल है वो बेचारे दुखी बचे हैं कि रोहित शर्मा ने मैच नहीं खेल करवा दिया, अगर उनके लिए मार करवा दिया तो कहां हजार था। और मैं समझ रही कि जब हजार हो जाना था इंग्लैंड ने क्या करना था, इंग्लैंड की इतनी पुंगी बजी है, इतनी पुंगी बजी है, इतनी पुंगी बजी है कि वो बेचारे पुंगी पुंगी हो गई अभी। हिंदुस्तान बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा है यार, अब हम क्या कह सकते हैं उनकी क्रिकेट के बारे में, अब बॉलिंग उनकी पूरी, बुमराह जैसा खतरनाक बॉलर, आई मीन हैरत की बात यह है कि चलें हमें दो तीन चार बॉल लगती थी सेटल डाउन होने के लिए, स्विंग सीम समझने के लिए, ये तो पहले बॉल से ही आता है, इज राइट ऑन द मनी। जब ये बॉलिंग इतनी प्लेटफॉर्म इतना तगड़ा सेट कर देता है सराज के लिए, तो वहां पे चांस ही नहीं बचता। फायरिंग बहुत ही ज्यादा थर्ड क्लास की गई है, ओ भाई घंटे की फायरिंग की गई है, ठुक गए हो आप। इतना बड़ा झटका, इतनी बड़ी ह्यूमिलिएशन, इतनी शर्मनाक शिकस्त, उसके बाद माइकल वॉन का जो दूसरा ट्वीट है वो वाला है कि चल गया तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। दूसरे टेस्ट मैच जब खत्म हुआ था तो नासर हुसैन ने क्या बोला था कि यार इंडिया की बैटिंग में कोई एक्साइटमेंट नहीं है, एक्साइटमेंट नहीं तुझे दी उसने जयसवाल ने, तेरे अंदर उसने डंडा दिया है, डंडा दिया तेरे अंदर उसने। बेटा एक्साइटमेंट तो होती है 70-80 रन की, उसने तो 214 रन मार दिए। अगर इस वक्त कोई बच्चा वर्ल्ड क्रिकेट में वाकई नजर आ रहा है ना आपको किंग, तो उसका नाम है यशस्वी जयसवाल। बैक टू बैक दो टेस्ट मैचेस में उसने दो डबल सेंचुरी बना दी है भाई, टेस्ट क्रिकेट में डबल सेंचुरी स्कोर करना इट्स नॉट एन इजी जॉब। पानी पूरे बेचने वाले ने इंग्लैंड के धागे खोल दिए, जिसकी वजह से नाम है क्रिकेट का वो है भाई इंडिया। यार फर्स्ट ऑफ ऑल एक इनिंग्स के अंदर 214 करना, दूसरी एक इनिंग्स के अंदर 209 करना, भाई दो कितनी इनिंग्स, भाई याद नहीं है कि भाई कितनी इनिंग्स के अंदर 400 प्लस स्कोर अकेला जैसे चार सेंचुरियां मार दी दो टेस्ट तीन। भाई हैट्स ऑफ भाई, तू गॉड है भाई, विराट कोहली क्या अब तेरे आगे कुछ भी नहीं है भाई, विराट कोहली का इसका नाम कुछ भी नहीं चाहिए, जयसवाल कोहली की कमी पूरी कर दी है ना इसने भाई, कमी हमें चाहिए नहीं विराट कोहली, हमें तो हर मैच में चाहिए जयसवाल। विराट कोहली नहीं है इंडिया की बैटिंग में, एक्साइटमेंट नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है, बेटा वो तो नहीं है, वो तो अप्पू है। लेकिन ये बेटा जो छोटे बच्चे खेल रहे थे ना, लटका दिया, बजा दिया, पकड़ गया आप सबको। यहाँ पे आधा तीतर आधा बटेर वाला काम नहीं है, ये पिचेस ऐसी हैं, अगर तगड़े बॉलर हैं तो 140 प्लस के बॉलर आपको चाहिए इस पिच के ऊपर बचने के लिए, वो भी अगर आप अच्छी लाइन और लेंथ पे करोगे तभी बच पाओगे। बैटिंग तो टोटली के इंडिविजुअल इतने बड़े परफॉर्मर्स हैं, लेकिन यहाँ पे खेले हुए भी उनके लड़के IPL भी खेले हुए हैं, इतनी क्रिकेट उन्होंने खेली हुई है, इतनी प्रैक्टिस उन्होंने की हुई है, सारा कुछ किया है, आई डोंट नो कि किस माइंडसेट के साथ जा रहे हैं। दूसरी बात यह कि मुझे समझ नहीं आती यार, हम ये तो पता लग गया कि इंडिया इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम, इनके सामने मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता कोई टीम ठहर पाएगी, और बनता भी नहीं है यार, उनके पास बॉलिंग पूरी, बैटिंग पूरी। जडेजा अगेन इज एन एसेट एज अ बॉलर, एज अ बैट्समैन इज एन एसेट, वो विकेट विकेट बॉल करता है, अगर थोड़ा सा बॉल ग्रिप कर रहा हो, थोड़ा स्पिन हो रहा होगा तो आपकी मौत है उसमें। जडेजा के रन्स आप देख लें बैटिंग से, वो अमेजिंग है। आई थिंक इट्स अ कंप्लीट टीम यार, बॉलर्स बहुत तबाहकुन बॉलिंग कर रहे हैं, इट्स हाई टाइम दैट यू स्टार्ट रिगार्डिंग इंडियन पेस बॉलर एज यू डू इट विद फॉर द बैट्समैन बेसिकली। सो आई थिंक यू स्टार्ट सेलिब्रेटिंग द फास्ट बॉलर ऑफ इंडियन क्रिकेट बिकॉज दे हैव डन अ वंडरफुल जॉब। हम सारे क्रिकेटर्स जितने भी हैं, जितने भी एक्सपर्ट हैं पाकिस्तानी और इंग्लिश, जितने भी फैन होंगे वो बहुत डिसअपॉइंटेड होंगे बिकॉज ये दोनों टीमें दो टॉप लेवल की टीमें हैं। इंग्लैंड का जहाँ थोड़ा सा पाकिस्तान से पहले मैं इंग्लैंड के बारे में बात करना चाहूँगा कि इफेंट बट्स तो उन्होंने किए हैं कि ये सैम करन को खिला दिया, उसको खिला दिया, तो क्या नाम अपना जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है या सीमर है
आप इंग्लैंड की कंडीशन से बाहर निकल आए थे, यहाँ की पिचों के ऊपर बॉल स्लो आता है, यहाँ की पिचों के ऊपर बॉल स्पिन होगा, आप एक मोमेंटम से नहीं खेल सकते, यू हैव टू प्ले मिनी टेस्ट क्रिकेट, व्हेन यू प्ले मिनी टेस्ट क्रिकेट यू गॉट टू गो थ्रू फेजेस, जहाँ पे स्पिनर है उसको विकेट नहीं देनी, डिनाई करना है एंड यू गो फोर एंड ओवर, एक बॉलर आता है दो उनके जो रेगुलर बॉलर नहीं है या वीक लिंक है उनके ऊपर आपने सेवन एंड ओवर जाना है इंग्लैंड का खड़ा रहता तो 600 प्लस का टारगेट हो जाएगा, तो आप देखना फिर उनसे यही चीज नहीं है बल्कि इसी से बदतरीन तरह से शिकस्त हुई है, तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि वो 600 प्लस का टारगेट जो कहां चेज कर पाते हैं, चौथे दिन के एग्जाम पर उनको इतनी बुरी शिकस्त दिया, उसके बाद बॉलर की बात करें यार क्या चाहते रोहित शर्मा जडेजा को कह रहे थे कि भाई नो बॉल की कोई गुंजाइश नहीं इसको टी20 समझ के खेल, बिल्कुल ऐसे सर बात मैं बता दूं जडेजा को दूसरी इनिंग में जो है बैटिंग का मौका नहीं मिला, उसने जो है भड़ास अपनी बॉलिंग साइड में, अगर ऐसे सारे बैटिंग करते हैं तो हजार तो काल कहीं गया, कसम से क्या मैं अगर मैं बता रहा हूं जडेजा को अगर बैटिंग का मौका नहीं मिला उसने बॉलिंग में भड़ास निकाली कि भाई मुझे बैटिंग में मौका नहीं मिला, आपको मैं सबको बताऊंगा कैसे बॉलिंग करते, पांच विकेट उन्होंने ले लिए, जडेजा तो है मैच में जो थ्री डायमेंशनल प्लेयर है, फील्डिंग में देख ले, बैटिंग में देख ले, बॉलिंग में देख ले, हर एक तरह से पहली इनिंग में देखा बैटिंग में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी, फिर जो है सेंचुरी स्कोर कर दी, दूसरी इनिंग में देखा फाइव लगा दिया, बैटिंग का मौका नहीं मिला, यार कमाल का बैट्समैन है, कमाल का ऑलराउंडर है, दुनिया की नंबर वन टीम इस इंडिया बन चुकी है, इंडिया के साथ आप खेलने के लिए जिगरे वाली टीम को आना पड़ेगा, बिल्कुल ये बात देख ले किया, बिल्कुल बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड आज इंडिया ने, आज आप रहने ही दें, आप कोई बात ना करें, आज जो फाइनली थर्ड टेस्ट मैच था वो इंडिया ने नाम कर लिया, इतना बुरा धोया है, और आप बताएंगे या मैं बताऊंगी किस किसने क्या किया, मैं ही बता देती, पहली बात तो यह कि इस वक्त जो सरफराज खान और जो जयसवाल हैं वो बेचारे दुखी बैठे हैं कि रोहित शर्मा ने मैच डिक्लेयर करवा दिया, वो डिक्लेयर ना करवा दिया कहां हजार था, और मैं समझ रही कि जब हजार हो जाना था इंग्लैंड ने क्या करना था, इंग्लैंड की इतनी पुंगी बजी है, इतनी पुंगी बजी है, इतनी पुंगी बजी है कि वो बेचारे पुगी पुगी हो गई मुझे ये बताइए कि आज बॉलिंग में इन्होंने कमाल कर दिया, जडेजा ने आज पूरी दुनिया को जो प्रूव करके दिखा दिया कि मैं जादूगर ही होता है, पांच विकेटों का उसने हॉल किया, फाइव पर उसने जो मारा एग्जैक्टली उसको डार्क हॉर्स भी इसी वजह से ही कहा जाता है कि जब वो शूट करके आते हैं पता ही नहीं चलता किधर जा रहे हैं, एंड डेफिनेटली बात है खुद तो उसने फाइव पर लिया ही है, साथ इंग्लैंड की टीम को डायपर्स भी लगा दिए हैं, या भी कहीं ना जल्द ना रही हो और आपको थोड़ा कहते हैं कि वो मरहम पट्टी भी लगा देते हैं कि आपके खराब हो रहे हो, फ्लैजन भी साथ लेके जाना, काफी इश्यूज होते हैं इंडिया के अंदर आके, बट आई थिंक सो कि डेडलीस्ट परफॉर्मेंसेस रही है आज इंग्लैंड की, इतनी अच्छी रही है कि कोई 15-14-16 से ऊपर ही नहीं गया है, और इंडिया की इतनी बुरी परफॉर्मेंसेस रही है कि कोई 214 कर गया, कोई 95 कर गया, कोई फाइफर कर गया, कोई दो विकेट ले गया, कोई चार ले गया, मतलब ये टीम होती है इस पे आउट होते हैं, तो उनकी थोड़ी इज्जत रखिएगा यार, मेहमान है हमारे मुल्क में आए हुए हैं, ऐसा ना कि यार बहुत बुरा हाल गया हुआ, अभी आपस की बात हुआ बहुत बुरा है यार, 122 रन में वो भी टेस्ट में, शर्म आनी चाहिए मेरे साथ इंग्लैंड को, आप जो है उनको कोचिंग लेनी चाहिए इंडिया से, किस तरह रातों रात प्लानिंग करके दूसरे दिन दूसरी टीम को धूल चटा देना, ये इंडिया से जाते जाते पूछ के लाजमी जाएंगे, क्या खाते क्या और प्लानिंग क्या करते हो अंदर के, दूसरे दिन आप आके ऐसा रगड़ते हो कि बिल्कुल समझ नहीं लगती हो क्या रहा है हमारे साथ, आप तो स्टेटमेंट देने लगे पागल है, पहली स्टेटमेंट पे वो पछता रहे हैं, पहली स्टेटमेंट पे पछता रहे बेचारे, दो दिन दुबई लगा के आएंगे भूल जाएंगे शायद, लेकिन इंडिया वाले भूलने वाले नहीं है, वो वही बेस बॉल को पकड़ के बैठे और जेस बॉल का उन्होंने नाम रख दिया, बेस बॉल को जेस बॉल में बदल दिया, यार देखें जब इंडिया की बात करते हैं किसी एक प्लेयर की बात करने को दिल ही नहीं करता, कोई और टीम हो जब उनका परफॉर्म करते कोई एक प्लेयर जाता है, इंडिया के 11 के 11 मैदान में उतर जाते हैं, अगला कहां से जीतेगा भाई, अगला किस किस से बचेगा, किस किस को आउट करेगा, आज जैसे आपने बात की जसपाल 22 साल का लड़का है, मार्कवुड और जिमी एंडरसन को तीन बॉल में तीन तीन छक्के मार रहे हैं, उन्हें बता रहा है कि भाई आपकी क्रिकेट खत्म है, अब जसपाल की क्रिकेट आ गई है, अब हम खेल सकते हैं, देखिए घर में बुला के मैं इंडिया से थोड़ा सा शिकवा के घर में बुला के ऐसे जलील ना करो यार, आपके घर में शिकवा दुनिया वाले किससे करें, साउथ अफ्रीका जाते हैं तो उधर मेरा घर कराते हैं, घर बुलाते हैं तो जाएं तो जाएं किधर, मार्च में चले यार, ये भी बात सोचने वाली है, देखिए बिल्कुल ऐसे लग रहा है यार, जिस तरह अब इंडिया क्रिकेट खेल रहा है, इंडिया क्रिकेट में बाहर टीम बाकी रह गई है, कोई भी टीम क्या नहीं टिक पा रही, कोई भी टीम, सारे कह रहे थे कि यार बेसबॉल शायद आके इंडिया में इंडिया को कुछ कर दे, लेकिन पहला मैच उन्होंने एज ए इस्तकबाल के तौर पर इनको दे दिया कि आ जाओ भाई, उसके बाद जो मांझा लगाया जो यार आज तो स्पेशली जसवाल की 104 रन उसने किया, मैंने कहा भाई शायद तर्स खा लिया, उसने आज फिर आ गया, उसने कहा आओ थोड़ी सी कसर बाकी है, 214 रन मतलब कि 22 साल की एज में दो मैच में दो डबल सेंचुरी, कमाल की परफॉर्मेंस, शमन गिल पे क्रिटिसाइज हो रहा था, 91 रन अभी रन आउट हो गया यार, सरफराज को सेंचुरी नहीं करने दे रहे, क्यों क्यों भाई रोहित शर्मा क्या वजह है उसके पीछे, देखिए पहले में रन आउट करवा दिया, सेकंड में उसको नॉट आउट कर देते, उसको आधा घंटा दे देते यार, इतने में कर सकता यार, उसको 20 बॉल जोर देते, उसने सेंचुरी कर देनी थी, स्पीड से वो मार रहा था, ओवरऑल यार इंडिया ने बड़ा जबरदस्त मारा है, मैं कहता हूं कि मुझे आज दोस्तों इंडिया वर्सेस इंग्लैंड थर्ड टेस्ट मैच इंडिया जीत चुकी है और अभी फिलहाल 2-1 की लीड जो है इंडिया ने दे रखी है, यानी दो टेस्ट मैच इंडिया जीती है और एक टेस्ट मैच इंडिया हारी है, और जो सेकंड और थर्ड टेस्ट थे दोनों में यशस्वी जायसवाल ने डबल सेंचुरी लगाई है, जो कि बहुत ही एक शानदार परफॉर्मेंस रही है जायसवाल की, और उन्होंने इतनी मतलब क्या कह सकते हैं कि आप एक स्टार बल्लेबाज के रूप में उन्होंने अपनी पहचान बनाई है, जैसे विराट कोहली एक किंग है क्रिकेट के, उसी तरह यशस्वी जायसवाल भी एक उभरते हुए सितारे हैं, और इंडिया को एक बहुत ही जो है ज़बरदस्त बैट्समैन जो है यशस्वी जायसवाल के रूप में मिल चुका है, अभी दोनों ही जो टेस्ट थे सेकंड और थर्ड उसमें इंडिया ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, और इंग्लैंड के साथ जो ये थर्ड टेस्ट था उसमें तो बहुत ही बड़े मार्जिन से इंडिया ने हराया है इंग्लैंड को, और अब जो फोर्थ टेस्ट है वो 23 से 27 फरवरी को होने वाला है, तो देखते हैं उसमें क्या कुछ परफॉर्मेंस रहती है इंडिया की,
और उसके बाद फिफ्थ टेस्ट होगा मार्च के अंदर। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतनी है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो अगली वीडियो जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।